ज्ञान गंगा भगवान विष्णु के श्री चरणों से निकल रही है ये ज्ञान गंगा। शनि देव की शनि पीठ में बह रही है ये ज्ञान गंगा। गुरु रजनीश ऋषि के आशीर्वाद से निकल रही ज्ञान गंगा। आप सभी के दुख दर्द दरिद्रता मिटाएगी ये ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। भगवान श्री शनिदेव में आस्था रखने वाले प्रिय भक्तगणों, मैं आप सभी के अंदर वास करने वाले आत्मा रूपी परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रिय भक्तगणों, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार की शनि भगवान की पीड़ा से, शनि ग्रह की पीड़ा से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, शनि दोष महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर, तो आप कच्ची घानी का शुद्ध सरसों का तेल लेकर सर्वप्रथम उसमें अपनी छाया को देखें। यह शनिवार का दिन होना चाहिए। उसके पश्चात उस तेल में गुड़ के पकौड़े तले और उन पकौड़ों को किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप खिला देंगे तो आपकी समस्त बाधाएं शांत हो जाएंगी। भगवान श्री शनिदेव का प्रसन्नता का एहसास भी आपको शीघ्र ही होने लगेगा। इसमें केवल आपको यह अवश्य ध्यान रखना है कि आपको किसी भी बचे हुए तेल को स्वयं यूज नहीं करना है। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनिपीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपके लिए एक दिव्य महाशक्तिशाली उपाय को लेकर, भगवान विष्णु के उस उपाय को लेकर जो आपकी सभी पीड़ाओं को काट देगा, आपके सभी कष्टों को दूर कर देगा। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के प्रतीक और सभी नवग्रह देवताओं से संबंधित यह भगवान विष्णु का महाशक्तिशाली विष्णु बाजूबंद जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, यह विष्णु बाजूबंद जिसमें सभी देवताओं का के प्रतीक रतन या उपरतन लगे हुए हैं, साथ ही भगवान विष्णु का ये सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, और यह जो बाजूबंद है यह भगवान विष्णु के एवं समस्त नवग्रह देवताओं के मंत्रांतरिक मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ है। मेरी पिछली 32 साल की जो मंत्र साधना है, जो नित्य प्रति में मंत्रों को जागृत रखने के लिए करता हूं, समस्त नवग्रह देवताओं के मंत्रों को जागृत करने के लिए, भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी जी के मंत्रों को जागृत करने के लिए करता हूं, उस लक्ष्मी जी और विष्णु जी की साधना के उपरांत इस रत्नों के बाजूबंद जो कि इस तरीके से पहना जा सकता है, जरूरत पड़ने पर इसमें तो जो होल्स हैं उनको इन कुंडों के माध्यम से अगर हमें जरूरत है तो धागे से या किसी चेन से हम इसे बांध भी सकते हैं। इसमें इस प्रकार से बांधने के लिए उपाय भी किया हुआ है, किसी को जरूरत पड़ रही है तो वो बांध सकता है, वरना आराम से ये यहाँ अंदर कपड़ों के अंदर की बात कर रहा हूँ वो सेट हो जाएगा और आपको धीमे धीमे करके अभूतपूर्व फल प्रदान करेगा। उन फलों के माध्यम से आप अपनी सभी प्रकार की परेशानियां, सभी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करते हुए धीमे धीमे तरक्की और उन्नति के पथ पर, धन धान्य के पथ पर आगे चलते चले जाएंगे।
आगे बढ़ते चले जाएंगे आपकी सभी परेशानियां, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, काम काज से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, घरेलू परेशानियों से संबंधित हो, उन सभी परेशानियों को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु का ये सुदर्शन चक्र जो इसके अंदर लगा हुआ है, सुदर्शन चक्र का जो प्रतीक गोमती चक्र इसके अंदर लगा हुआ है, वो गोमती चक्र भगवान विष्णु के मंत्रों से सुसज्जित है, जागृत है, प्राण प्रतिष्ठित है और मंत्र सिद्ध है। साथ ही साथ ये सभी नवग्रह देवताओं के जो रतन लगे हुए हैं, वो सभी विभिन्न नवग्रह देवताओं के विभिन्न मंत्रों से जागृत, मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित हैं। अब नवग्रह देवताओं के द्वारा दी जाने वाली आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह खराब हैं, उन खराब ग्रहों को तो ये ठीक करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो ग्रह कम फल दे रहे हैं या मध्यम फल दे रहे हैं, उन ग्रहों को मोटिवेट करते हुए ज्यादा से ज्यादा फल दिलवाएंगे और आपकी सभी परेशानियों को काटने के लिए भगवान विष्णु का ये सुदर्शन चक्र आपकी सभी प्रकार की परेशानियों को काटकर आपके जीवन में सुख शांति सौभाग्य और संपत्तियों की वर्षा कर देगा। आपकी सभी परेशानियां धीमे धीमे करके दूर हो जाएंगी। तो यह विष्णु बाजूबंध, जो महाशक्तिशाली विष्णु बाजूबंध है, जिसे भगवान विष्णु के मंत्रों से सुसज्जित किया गया है, समस्त नवग्रह देवताओं के अलग अलग मंत्रों से इसे मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत किया गया है। यह विष्णु बाजूबंध आपको घर बैठे हमारी मोबाइल ऐप जो इस समय स्क्रीन पर आ रही है उसके द्वारा, या स्क्रीन पर जो हमारे नंबर आ रहे हैं उन नंबरों के द्वारा घर बैठे उपलब्ध कराया जा सकता है। साथ ही साथ जो लोग इस विष्णु बाजूबंध की एक मुश्त कीमत नहीं दे सकते, तो अगर वो थोड़ा सा टोकन अमाउंट अभी देंगे और शेष अमाउंट जब ये आपके घर पहुंचेगा, तैयार होके पूजा पाठ करके, मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठा जागृत करके, जब आपके नाम से पूजा करके इसको आपके घर भेजा जाएगा कुरियर के द्वारा, तब आप रफली, आज अगर आप भेजेंगे तो रफली 15 दिन बाद आप इसकी शेष कीमत को कुरियर वाले को देकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ आपको घर बैठे ही प्रभु साधना की ये अद्भुत पुस्तक, जिसका एक एक शब्द मेरे अपने हाथों से लिखा गया है, मेरी अपनी स्वयं की रचना है, जिस मंत्र साधना को करके आज मैं इस पड़ाव पर पहुंचा हूं कि आपके मध्य गुरु रजनीश ऋषि के नाम से जाना जाता हूं, उसी मंत्र साधना के बल पर आप अपने जीवन में अभूतपूर्व सुख शांति सौभाग्य की वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक आपके हर ऑर्डर के साथ निःशुल्क आपको जनवरी के लास्ट से लगातार भेजी जाएगी, जब तक कि हमारे पास इस पुस्तक का स्टॉक शेष रहेगा। आप देर ना करें इससे पहले कि आपकी परेशानियां आपको और अधिक परेशान करें, कि आप सचमुच में ही रोने बैठ जाएं, तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए इस विष्णु बाजूबंध को, जो महाशक्तिशाली दिव्य विष्णु बाजूबंध है, उसे हमारे यहां से मंगाकर तुरंत धारण करें। इसे किसी भी बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार को कोशिश करें कि शुक्ल पक्ष का बुधवार हो, बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो, उस दिन सुबह स्नान इत्यादि के पश्चात धूप दीप जलाकर हाथ में प्रात इसे बाजूबंध को हाथ में लेकर प्रार्थना करें परमपिता परमात्मा से कि मैं इस परेशानियों को दूर करने के लिए गुरु रजनीश ऋषि द्वारा मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित से जागृत किया हुआ यह विष्णु बाजूबंध अपने हाथ में धारण कर रहा हूं, आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मेरी ये परेशानियां शीघ्रता शीघ्र समाप्त हो और मेरे घर परिवार में सुख शांति सौभाग्य और ऐश्वर्य की निरंतर वर्षा होती रहे। इस मंगल कामना के साथ जब आप इस बाजूबंध को अपने हाथ में धारण करेंगे तो इसके चमत्कारी प्रभाव धीमे धीमे करके प्रारंभ हो जाएंगे। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आपकी सदैव सभी परेशानियों को समाप्त करते हुए समस्त नवग्रह देवताओं से आपको संपूर्ण फल दिलवाने का कार्य करेगा। तो इससे पहले कि हमारा ये विष्णु बाजूबंध का, महाशक्तिशाली दिव्य विष्णु बाजूबंध का यह स्टॉक खत्म हो, आप स्वयं शीघ्रता शीघ्र इसे अपने नाम से पूजा करवाकर घर बैठे हमारे यहां से प्राप्त कर सकते हैं। जय शनिदेव।
जय सीताराम जी, मैं यूएसए से अमिता शुक्ला बोल रही हूँ और मैं माता जी के संपर्क में आई करीब 5-6 महीने हो गए हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं बहुत परेशान थी। मेरे बच्चे सेटल नहीं थे। मेरा बड़ा बेटा जो मेडिकल स्कूल में जा रहा है, 3rd ईयर में है, और वो अपने एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पा रहा था, तो उसे बहुत स्ट्रगल हो रहा था। वो कई सालों से स्ट्रगल कर रहा था अपने एग्ज़ाम्स में। तो माता जी ने उसको बताया, उसकी जन्मपत्री देखी, उसको रिंग दी कि ये रिंग पहनो। तो अभी रिंग पहनने हुए अक्टूबर से रिंग पहनी है, शायद अक्टूबर या नवंबर से, तो यानी कि अभी 2-3 महीने ही हुए होंगे रिंग पहने हुए। और उसको, उसने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आया है। मतलब यहाँ पर 70% पासिंग नंबर होते हैं, तो प्रतीक के 85-99% एक सब्जेक्ट में तो 99 आया है, बाकी में 85-88 ऐसे उसके नंबर आए हैं। जैसा माता जी ने कहा था वैसे ही हो रहा है। तो फिर मैंने अपनी भी जन्म कुंडली दिखाई। सब तरफ से परेशान थी। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ससुराल वालों ने बिल्कुल ही हस्बैंड के जाने के बाद एकदम ही संबंध ख़त्म कर दिया। किसी तरह की कोई मदद नहीं, मेंटल सपोर्ट भी नहीं था कि फाइनेंशियल तो फॉरगेट अबाउट इट, मेंटल सपोर्ट भी नहीं था उन लोगों का। और मैं इतनी परेशान हो गई थी, सब तरफ इधर उधर मैं भटक भटक के सब पंडितों के पास जा जा के जन्मपत्री दिखा दिखा के परेशान थी। और मेरे लिए भी माता जी ने रिंग बना रही हैं और मुझे जो भी रेमेडीज पूजा पाठ बताई है वो भी मैं करती हूँ। फिर मैंने अपने छोटे बेटे की भी बनवाई, तो माता जी ने उसके छोटे बेटे के लिए भी रिंग बनवाई है। तो यानी कि मैं सब तरफ से परेशान थी कि हस्बैंड की डेथ को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, तो मैं पूरी तरह से संभल भी नहीं पाई थी। और उधर बच्चे की पढ़ाई का भी मुझे बहुत टेंशन था कि मेडिकल स्कूल का इतना खर्चा है, कैसे सब होगा। तो माता जी ने तो मुझे बहुत सहारा दिया है, मतलब मेंटल सपोर्ट भी दिया, पूजा पाठ भी उन्होंने बताया और रिंग वगैरह भी दी है। तो बस आप लोगों से मेरा एक यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग माता जी के संपर्क में रहिए और जो भी रेमेडीज या पूजा पाठ माता जी बताती हैं आप पूरे विश्वास से करो और ज़रूर फल देगा। माता जी के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से सारे काम पूरे होंगे। मैंने तो अब चिंता करना छोड़ दिया है, यहाँ तक कि मुझे रात में नींद नहीं आती थी, तो मैं तो अब आराम से सोती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि माता जी हैं तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग माता जी के संपर्क में रहिए और जो भी पूजा पाठ या रिंग वगैरह वो बताती हैं वो आप लोग करिए। मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली लड़की हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी पूजा पाठ का आंसर नहीं होती थी। 5-6 सालों से मैं बहुत परेशान थी, मेरा कोई काम नहीं बनता था। फिर माता जी ने मुझे जिस तरह से बताया कि बेटा इस तरह से तुम पूजा करो, और उन्होंने जो भी मुझे मंत्र दिया, जो भी मुझे पूजा पाठ बताई, फिर मैं वैसे ही करती हूँ। एकदम माता जी को अपनी गुरु माँ मानकर मैंने उनके जैसे वो बताती आँख बंद करके मैं कर लेती हूँ। मैं उनको कुछ भी नहीं पूछती कि माता जी इसको करने से क्या होगा क्या नहीं होगा। वो कहती हैं ऐसा करो, हम बस कहते हैं जी माँ गुरु माँ, और हम कर लेते हैं और मेरा वो सारा काम बनता ही चला गया। तो जब अगर मेरा काम इतनी जल्दी बन सकता है तो बाकी जो हमारी तरह लोग हैं जो परेशान हैं उनका भी काम जरूर बनेगा। बस यही है कि आप लोग भगवान में आस्था बनाए रखिए और माता जी के संपर्क में रहिए। जय सीताराम जी।